अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको सेकेंड ईयर की वीडियो दे रहे हैं। सेकेंड ईयर कॉमर्स प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी सेक्शन में सेकेंड ईयर में इसमें से दो सवाल आते हैं, अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप सी सेक्शन के दोनों सवाल इसी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको जो है शाहिद जमाल की बुक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इससे समझा रहा हूँ, अहमद अकेडमी वालों की बुक है, तो इससे देखें किस तरीके से सॉल्व होगा। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए आप ये देखें कि जैसे क्वाइन है, तो क्वाइन की प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए क्वाइन के दो चांस हैं और उसका आउटकम जो है एक है, मतलब ये कि दो चांस हैं हेड और टेल, हेड और टेल दो चांस हैं आपके पास, और इसमें से जब क्वाइन को टॉस करेंगे तो एक ही नंबर आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो नंबर ऑफ चांसेस और नंबर ऑफ आउटकम, इसका फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ आउटकम नंबर ऑफ चांसेस। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बन जाएगा। इसके क्वाइन के दो चांस हैं और आएगा एक, कोई भी एक, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये इसका आंसर, और इसका आंसर इस तरीके से 0.5 आ जाएगा। इसी तरह डाइस की बात करें, डाइस लिडो आपने खेला होगा, उसमें छक्के को जिसकी सिक्स साइड होती है उसको डाइस कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांस छह साइड है, तो सिक्स साइड के छह चांस है, और अब उसको रोल करेंगे डाइस को तो एक आएगा, कोई सा भी एक नंबर आ जाएगा, वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, तो उसके चांसेस जो हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये उसके चांसेस हैं, और इनमें से कोई जब उसको डाइस को रोल करेंगे बोर्ड पे नीचे, तो उसमें से कोई सा भी एक नंबर आ जाएगा तो इसके चांस आपके जो है वन अपॉन सिक्स, इस तरीके से ये इसके चांसेस आ जाएंगे। तो हम इसमें जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन है आपका 6.12 है, पेज नंबर 200, और क्वेश्चन नंबर 6.12 का बी पार्ट, उसमें आपका क्वेश्चन है देखें, उसमें क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज, ये जिसमें टू लेटर्स दिए हुए, एक जो है अकाउंटेंसी है और एक मिलीनियम, तो हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर, यानी अकाउंटेंसी एक वर्ड है, उसको कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लेटर दिया हुआ है अकाउंटेंसी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि इस वर्ड को कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, कि अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, कि ए को बाद में लिखें, सी को पहले लिखें, ओ को पहले लिखें और सी को बाद में लिखें, इसको कितने तरीकों से हम अरेंज करके वर्ड इसके बना सकते हैं, ये हमारे पास वर्ड है अकाउंटेंसी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट कि हम इसमें देखेंगे जो जो अल्फाबेट आ रहे हैं वो कितने टाइम आ रहे हैं, ए जो है एन वन, ए कितने टाइम इसमें आ रहे हैं, टू टाइम आ रहे हैं फैक्टोरियल, सी जो है वन टू थ्री टाइम आ रहे हैं, ओ जो है वन टाइम आ रहा है फैक्टोरियल का साइन साथ साथ डालते जाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा फैक्टोरियल क्या है, यू जो है वो भी वन टाइम आ रहा है, एन टू टाइम आ रहा है, टी
वन टाइम, और लास्ट वर्ड है लास्ट अल्फाबेट वाई वन टाइम आ रहा है। टू प्लस थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, टोटल इसका हो गया इलेवन। तो ये एन जो है नंबर ऑफ नंबर फैक्टोरियल, इलेवन फैक्टोरियल ये आपका। इस तरह से फर्स्ट हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जितने भी अल्फाबेट सॉरी जितने भी अल्फाबेट इसमें यूज हो रहे हैं उनको हम देखेंगे कि कितने कितने टाइम ए टू टाइम आ रहा है, सी थ्री टाइम आ रहा है, ओ वन टाइम आ रहा है, यू भी वन टाइम आ रहा है, एन टू टाइम आ रहा है, टी वन टाइम आ रहा है, वाई वन टाइम आ रहा है। इनको काउंट करके इलेवन फैक्टोरियल लिख दिया, ये हमारा टोटल एन है। और फैक्टोरियल इस तरह ये लिखा जो जाता है ये वन, इंग्लिश में तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और स्टैट्स में इसको फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब यहां पर ये है कि जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल लिखा होगा उसको हम वन तक इस तरह खोल देंगे, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, थ्री टू सिक्स। अगर फोर फैक्टोरियल होगा फोर थ्री टू वन मल्टीप्लाई करके, अगर फिफ्टी फैक्टोरियल होगा फिफ्टी को भी आपने वन तक खोलना है। अगर इस तरह से आपको फिफ्टी फैक्टोरियल कहीं दिया है तो फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय फोर्टी नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर्टी एट, इस तरह से सो ऑन, ये इसको खोलेंगे वन तक। लेकिन इतना बड़ा नंबर होता नहीं, इसका अलग तरीके से सॉल्व करने का मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब ये, तो जब आप ये कर लेंगे फर्स्ट स्टेप, कि आपने एन जो है ऐड करके लिख दिया टोटल, तो इसका फॉर्मूला जो है एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल, इस तरह से ये फॉर्मूला है इसका। अब एन जो है आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल कितने, इलेवन फैक्टोरियल। तो यहां पर आप ऊपर लिख देंगे इलेवन फैक्टोरियल और नीचे जो है एन वन एन टू ये सारे लिखेंगे। एन वन आपका टू फैक्टोरियल है, फिर थ्री फैक्टोरियल, फिर वन फैक्टोरियल, फिर वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल। अब इलेवन फैक्टोरियल जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, इलेवन फैक्टोरियल का मतलब इलेवन मल्टीप्लाई बाय टेन मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय एट मल्टीप्लाई बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय सिक्स फाइव फोर थ्री टू और वन। और नीचे जो है ये जो नंबर है इनको भी आप इसी तरह एक्सपेंड कर लेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन। और ये जो वन है इनको खोलने की जरूरत नहीं है, टू मल्टीप्लाई बाय वन, ये तो वन वन को क्या खोलेंगे। अब देखें जो इसमें कैंसिलिंग हो रही है, टू टू और टू कैंसिल हो गया, थ्री और थ्री कैंसिल हो गया, और टू वन टू 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 द फोर, और ये टू वन द टू टू वन द टू, ये कैंसिल हुआ है। बाकी जो नंबर हैं, बाकी जो नंबर हैं वो जो है आपस में, बाकी जो नंबर हैं इलेवन टेन नाइन एट सेवन फाइव और टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव वन डबल सिक्स थ्री टू डबल जीरो वन डबल सिक्स थ्री टू डबल जीरो। क्वेश्चन ये था, इसका दोबारा मैं रीड कर रहा हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बी अरेंज, इन लेटर्स को ये जो दिए हुए ए डबल सी ओ यू एन टी ए एन सी वाई, ये वर्ड है अकाउंटेंसी, इसको कितने तरीके से अरेंज करके लिखा जा सकता है। तो वन
66320 टाइम इसको अरेंज करके आप इस अकाउंटेंसी वर्ड को लिख सकते हैं। और ये हमने किससे निकाला, प्रोबेबिलिटी से निकाला कि ये वर्ड इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, इस तरह से वर्ड्स आते हैं, अकाउंटेंसी आ जाए आपका, स्टेटिस्टिक्स आ जाए, मैथमेटिक्स आ जाए, मिलीनियम ये इसमें दिया है बुक में। तो ये बी सेक्शन में आपका क्वेश्चन आता है, ये आप देखें क्या आपको समझ आया होगा। ये वर्ड है अकाउंटेंसी, इसके अल्फाबेट ले लिए, उसके नंबर ले लिए, कितने कितने टाइम आ रहे हैं और फैक्टोरियल साथ डाले, तो एन जो है टोटल 11 फैक्टोरियल हो गए। उसको इस तरह से हमने फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन मैं समझता हूँ स्लाइड्स में यही है। तो देखें आप प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आसान सा क्वेश्चन मैंने यहां से स्टार्ट किए। प्रोबेबिलिटी डेली बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, आप वीडियो हमारी देखते रहें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। और मजीद वीडियो के लिए हमारा चैनल अजमे तालीम जो है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी पुश कर दें, दबा दें, ताकि आपको मजीद वीडियो इसकी मिलती रहे। थैंक यू।